सभी को नमस्कार। कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैं मनदीप कोदारा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम फिजिक्स के जो हमारे प्रीवियस पेपर्स हुए हैं, कोई भी वनडे कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, चाहे HSSC हुआ हो या कोई और पेपर हुआ हो, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। स्पेशली जो क्वेश्चन आज हमने लिए हैं, HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो पेपर हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, उनमें पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख भी रहे होंगे PYQs लिखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में कह रहा है कि तरल पदार्थ के किस गुण के कारण तेल और पानी अलग अलग हो जाते हैं। ये कह रहा है एक पदार्थ है हमारा, कोई भी तरल पदार्थ है, ठीक है, जिसके अंदर तेल भी तरल है और पानी भी तरल है, ठीक है। अगर पानी में तेल डालते हैं तो क्या कारण है, कौन सा रीजन है जिसकी वजह से तेल अलग और पानी अलग हो जाता है, आपस में दोनों मिक्स नहीं होते। तो ये कारण होता है सर उनका सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव, ठीक है। सतह के ऊपर जो टेंशन है, जो सरफेस टेंशन है, यही कारण होता है उनका अलग अलग होने का। और सरफेस टेंशन से हमारे पेपर के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरफेस टेंशन सतह का जो तनाव होता है इससे रिलेटेड आगे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इन क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरह से याद करना है क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है जी बिजली की खपत को जिन इकाइयों में दर्ज किया जाता है, ठीक है, या फिर उन इकाइयों में एक इकाई खालिस्तान के बराबर भी होती है, ठीक है। ये कह रहा है बिजली की जो खपत है, ठीक है, जो भी बिजली हम लोग खर्च करते हैं उसकी अलग अलग यूनिट के अंदर इसको जो डिफाइन किया जाता है। और ये कह रहा है कि जो चार ऑप्शंस दिए हैं हमने, इसके अंदर कौन सी एक बिजली की जो यूनिट है, बिजली की जो खपत करने की यूनिट है। पहली दी है किलोवाट घंटा, दूसरी दी है जूल, एक दी है वाट और एक दी है वाट प्रति घंटा। तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा जी जूल, ठीक है। लेकिन इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न भी पूछा जाता है। वो पूछा जाता है कि हम जो नॉर्मली हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर नॉर्मली जो घरों में बिजली यूज होती है उसको किस यूनिट में मापा जाता है, तो उसको मापा जाता है जी किलोवाट घंटा के अंदर, ठीक है। किसके अंदर मापा जाता है, किलोवाट घंटा के अंदर। हमारी जो यूनिट आती है ना, मीटर के अंदर जो यूनिट आती है बिजली की, वो क्या होती है, वो किलोवाट घंटा होती है सर, किलोवाट घंटा में इसको मापा जाता है। अगर यहां पर जूल ऑप्शन नहीं होता तो आपको किलोवाट घंटा ही यहां पर ऑप्शन लगाना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर, एक भौतिक राशि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे सिर्फ उसके परिमाण, लंबाई, वजन आदि के द्वारा निर्देशित किया गया है, उसे कौन सी राशि कहते हैं। कहने का मतलब है सर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, परिमाण है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, जिसका परिमाण है, लंबाई है, वजन है आदि चीजें हैं। कहने का मतलब क्या है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये एक ऐसी राशि है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। क्या नहीं है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, और जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, जिसकी कोई दिशा ना हो, ऐसी क्वांटिटी को, ऐसी राशि को हम बोलते हैं जी स्केलर क्वांटिटी एदिश राशि। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी एदिश राशि। इंग्लिश में भी आपको नाम याद रखना है, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है पर्सन हिंदी में आपको समझ नहीं आता लेकिन इंग्लिश वाला देखते ही आपको समझ आ जाता है। एदिश राशि जिसकी कोई दिशा ना हो, अगर जिसकी डायरेक्शन नहीं है उसको हम बोल देंगे स्केलर क्वांटिटी एदिश राशि। अगर कोई ऐसी क्वांटिटी जिसकी अपनी डायरेक्शन होती है, जिसकी दिशा हो, जिसकी डायरेक्शन हो, जिसकी दिशा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सर वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, यानी के सदिश राशि। हिंदी में नाम पढ़ोगे तो हिंदी में अपने आप पता लग जाएगा, सदिश यानी दिशा के साथ जो राशि है, डायरेक्शन हो जिसके अंदर, उसको हम बोल देंगे वेक्टर क्वांटिटी या फिर सदिश राशि। जिसकी कोई दिशा नहीं होती उसको हम बोल देंगे एदिश राशि, जिसकी कोई दिशा नहीं है स्केलर क्वांटिटी। अब इसके अंदर क्या है, देखिए इसके अंदर पूछा है ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी राशि जिसके सिर्फ परिमाण है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई दिशा नहीं है, तो ऐसी राशि को हम बोल देंगे भाई एदिश राशि। क्या बोल देंगे, एदिश राशि। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होता है सर, एक बहुत इनका बेसिक सा एग्जाम्पल होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन,
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। दूरी क्या होती है सर? दूरी होती है किसी भी दो बिंदुओं के बीच में, आपको मान लीजिए पॉइंट ए से चले आप लोग, ये पॉइंट ए है आपका और आपको पॉइंट बी पर जाना है, तो अगर आप कोई भी रास्ता तय कर करके जाएं, वो सारी की सारी रास्ता जो आप चले, वो सारा का सारा रास्ता आपका क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। सारा का सारा रास्ता डिस्टेंस कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। लेकिन हम बात करें विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की, तो इस पॉइंट से लेके आप इस दिशा में, इस डायरेक्शन में जो कम से कम वाला रास्ता चले हो, इसको हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन की अपनी डायरेक्शन है भाई, इस दिशा में जाओगे तभी विस्थापन हो पाएगा। अगर आप इस दिशा में चले तो इस दिशा में हम विस्थापन नहीं मेजर करेंगे, यहां मेजर विस्थापन को यही करेंगे। विस्थापन जो होगा वो सिर्फ इधर ही होगा, चाहे आप कोई भी रास्ता चेक तय करके बी पर पहुंचे हो, विस्थापन हमेशा आपका यही रहेगा। तो विस्थापन की अपनी क्या है? एक डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? ये अपनी सदिश क्वांटिटी है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है वो अपनी क्या है भाई? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है सर, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है जी थर्मामीटर में इस्तेमाल होने वाला पारा, पारा एकमात्र ऐसी धातु है सर, Hg से लिखते हैं इसको, ठीक है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। किसमें होती है? लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तरल अवस्था के अंदर। किसमें होती है? लिक्विड के अंदर होती है, तरल अवस्था में होती है। कहां यूज करते हैं सर? तापमापी के अंदर, जो थर्मामीटर के अंदर पारा होता है, ठीक है, जो लिक्विड सा भरा होता है, आपने देखा होगा बुखार वगैरह चेक करने के लिए, वो होता है थर्मामीटर। ये कह रहा है उसके अंदर जो पारा है वो उसकी नली की जो दीवार है उनसे नहीं चिपकता, क्या कारण है? तो इसका भी कारण क्या है सर? सरफेस टेंशन, सतह का तनाव। क्या है? सरफेस टेंशन। क्योंकि सरफेस टेंशन में क्या होती है, चीजें कम से कम स्थान घेरने की कोशिश करती है, तो वो बाहर नहीं चिपकता, अंदर की तरफ आ जाता है, ठीक है जी। पानी की बूंदें गोल क्यों दिखाई देती है? सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण। यहां पर सरफेस टेंशन, सतह का तनाव, पृष्ठीय तनाव, कुछ भी लिखा मिल सकता था, राइट। आगे बढ़ते, कभी डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम कंसेप्ट वाली क्लासेस देखेंगे, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे कैसे कैसे प्रोसेस होती है सरफेस टेंशन की, चिंता मत करें। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। इसमें कह रहा है, ये कह रहा है एक इलेक्ट्रोस्टेटिक सेल है, ठीक है, एक सेल है, उसके अंदर खालिस्तान इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है, ठीक है। पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को, या फिर नेगेटिव वाले को, या न्यूट्रल वाले को, या सेमी पॉजिटिव वाले को कैथोड किसे कहते हैं? तो भाई इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है हमारा कैथोड, ठीक है, एक होता है हमारा कैथोड, और एक होता है सर हमारा एनोड, ठीक है, एक कैथोड एक एनोड, ठीक है, ठीक है, कैथोड एनोड, ठीक है जी, एनोड। जो एनोड होता है सर वो होता है हमारा नेगेटिव वाला, और कैथोड जो होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव वाला हिस्सा। सेल में आपने देखे होंगे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, तो जो पॉजिटिव हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सर कैथोड, जो नेगेटिव होता है इसको बोलते हैं हम एनोड। तो यहां पर कैथोड पूछा है, तो कैथोड पूछा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, एनोड पूछा होता तो नेगेटिव हो जाता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है जी न्यूटन के पहले नियम में कहा गया है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल काम ना करे, इसे क्या कहा जाता है? देखिए आइज़ैक न्यूटन ने हमें फिजिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, और उन्होंने मोशन के या फिर गति के, न्यूटन साहब ने हमें मोशन, या फिर हम बात करें हिंदी में तो गति के, गति के तीन नियम दिए, और वो तीन नियम हमारे साइंस को, फिजिक्स को पढ़ने में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मदद करते हैं। कौन से थे? पहला नियम था उसका लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या था सर? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है सर जड़त्व का मतलब, ठीक है, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम कहता है कि सर ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये हमारी विराम अवस्था में है, एक जगह पे खड़ी है, ये तब तक अपनी जगह से नहीं हिलेगी, तब तक अपनी जगह से नहीं हिलेगी जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल काम ना करे। और वस्तु के इस गुण को हम क्या कहते हैं? इस गुण को ही बोला जाता है जड़त्व, इनर्शिया, कि कोई भी वस्तु अपनी जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है,
जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना काम करे, और उसी वस्तु के इसी गुण को, इसी क्वालिटी, इसके क्वांटिटी क्वालिटी को हम लोग बोलते हैं सर जड़ता या फिर इनर्सिया। ठीक है, TIA, इनर्सिया क्या बोलते हैं? इनर्सिया बोलते हैं, जड़ता बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं से परिभाषित हुआ बल, कि बल क्या होता है? बल होता है कोई भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करना है, उसकी स्टेट में चेंज करना है, हमें अवस्था में परिवर्तन करना है। ठीक है, अगर वो गति में है तो हमें उसको विराम अवस्था में लेके आना है, मोशन में है रेस्ट पे लेके आना है, अगर रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लेके जाना है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स काम कर लगाना पड़ेगा। ये हमें बताया था न्यूटन साहब ने, कौन से नियम में? पहले नियम में, और पहले नियम को ही कहा जाता है जड़ताओं का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। यहां पर गति का पहला नियम भी आ सकता था, न्यूटन का पहला नियम भी आ सकता था। ठीक है सर, दूसरे नियम में न्यूटन ने क्या कहा था? दूसरे नियम में न्यूटन ने ये फोर्स की डेरिवेशन दी थी कि फोर्स होता क्या है, मास गुणा में एक्सेलरेशन, त्वरण। और तीसरा नियम क्या था न्यूटन का? तीसरे नियम में न्यूटन साहब ने हमें यह बताया था कि अगर आप किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाते हो, अगर आप किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाते हो, कोई बल लगाते हो, तो विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड में वो वस्तु भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाती है, एक बल लगाती है। और इसको बोला था लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। क्या बोला था? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि आप अगर किसी वस्तु के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर आप पे कोई एक्शन करते हो, तो बदले में वो वस्तु भी क्या करती है? आप पर एक एक्शन करती है। ये तीनों नियम है न्यूटन के, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इनके एग्जाम्पल भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो हम कभी पढ़ेंगे न्यूटन के लॉ, तब हम इनके बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो ये क्या है? पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ताओं का नियम, जिसमें अंदर आइज़ैक न्यूटन साहब ने हमें यह बताया कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है, वो तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, तब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल काम ना करे। ठीक है सर, आगे बढ़ते। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता था कि बल की परिभाषा, बल की परिभाषा किसने दी थी, और बल की परिभाषा कौन, या फिर फोर्स को कौन डिफाइन करता है, बल को कौन परिभाषित करता है? तो कौन परिभाषित करता है? न्यूटन का पहला नियम, या फिर आपका जड़ताओं का नियम। राइट डियर, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है जी, एक पहाड़ी पर एक कार को धक्का देना कौन सा उदाहरण है? ये कह रहा है सर कोई माउंटेन है, कोई पहाड़ी है। ठीक है, यहां पर एक कार खड़ी है, इसको आपने एक धक्का दे दिया। ठीक है, ये किस चीज का उदाहरण है? ये कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है, संपर्क बल का उदाहरण है, या फिर गैर संपर्क बल का, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, या फिर मैग्नेटिक फोर्स का, या फिर सरफेस की वजह से जो बल लगा उसका। तो सर आपने इसको धक्का दिया है, आपने इसको धक्का दिया है, इसका मतलब आप उसके किस, क्या किस में आए हैं? कॉन्टैक्ट में आए हैं। एक वस्तु है, इस गाड़ी को आपने धक्का दिया, तो आप इसके कॉन्टैक्ट में आए, आप इसके संपर्क में आए, तो कौन सा बल है? ये संपर्क बल है। एक होता है गैर संपर्क बल, बिना कॉन्टैक्ट में आए, ये जो एग्जाम्पल है ना तीसरा, चुंबकीय बल, ये क्या होता है? एक चुंबक होती है नॉर्मली, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक ये चुंबक हुई, यहां पर लगा है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये क्या करेगी? दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगी, साउथ नॉर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, नॉर्थ साउथ को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या हो रहा है ये? क्या ये आपस में दोनों कॉन्टैक्ट में आई, लेकिन फिर भी इनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, एक बल काम कर रहा है। ऐसे फोर्स को बोलते हैं जी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, गैर संपर्क बल। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी, मानवीय आंखों में एक प्रकार का दोष जिसके कारण एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, उस दोष को क्या बोलते हैं? देखिए, मानव की आंख के अंदर ये जो दोष है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ये कह रहा है कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, लेकिन पास की वस्तु उसे स्पष्ट दिखाई दे रही है, ऐसे दोष को हम बोलते हैं जी निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। कहने को तो दूर दृष्टि होना चाहिए था, लेकिन नाम अलग रख दिया इन्होंने, क्या कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं भाई मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। और जो हमारा दूर दृष्टि दोष है उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और एक जरा दृष्टि दोष है उसको बोलते हैं सर प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि इंसान को ना तो पास की वस्तु साफ दिखाई देती, ना दूर की साफ दिखाई देती। ये रोग जो होता है ये उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसे और बात करेंगे जब ह्यूमन आई पढ़ेंगे इन दोष के बारे में, इनका निवारण कैसे होता है ये भी पढ़ेंगे, ये दोष होते क्यों है ये भी पढ़ेंगे, प्रतिबिंब आगे बनता है पीछे बनता है वो सारी चीज हम डिटेल वाले जो क्लासेस होगी उसमें पढ़ेंगे। तो इसको जो निकट दृष्टि दोष है इसको इंग्लिश में ही बोलते हैं बच्चे, यहां पर इंग्लिश के नाम दिए हैं मायोपिया, इसको ऐसे भी दिया जा सकता था निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटनेस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष वैज्ञानिक नाम है इसका मायोपिया। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है जी, क्या होगा, चलिए क्वेश्चन है, अपनी स्थिति के कारण एक वस्तु में जो ऊर्जा होती है वह क्या कहलाती है। यह कह रहा है कोई वस्तु की पोजीशन है, कोई वस्तु कहीं पर, यहां पर कोई वस्तु खड़ी है, ठीक है, आपने इस एक कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाया, आपने इस मार्कर को उठाया, इसको उठाकर इसको आप यहां पर इस पोजीशन पर लेकर के आए, किस पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर यह है, तो अब इसके अंदर जो इसकी पोजीशन के कारण, इसकी पोजीशन के कारण, इसकी स्थिति के कारण इसके अंदर जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, कौन सी एनर्जी कहलाएगी। तो देखिए क्या होता है भाई, ऊर्जा, एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं भाई ऊर्जा, तो ऊर्जा के क्या होते हैं, अलग अलग रूप में ऊर्जा, अलग अलग फॉर्म में हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है। ठीक है, अलग अलग रूपों में एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा भी अपने एक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा भी है, स्थितिज ऊर्जा भी है, या ये उपयुक्त में से कोई नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये कह रहा है इन तीनों में से बताओ कौन सी ऊर्जा है इसके पास, तो भाई पोजिशन के कारण ऊर्जा है तो उसको हम बोल देंगे जी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, क्या बोल देंगे, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, यानी उसकी स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा है, तो इसके कहां होगा स्थिति, सी वाला ऑप्शन। अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा होता, अगर वो पार्टिकल मोशन में होता, गति में होता, तो उसके अंदर क्या आ जाती, गतिज ऊर्जा आ जाती। अगर वो पार्टिकल केमिकल की फॉर्म में होता, कोई ना कोई रसायन की फॉर्म में होता, तो वो कौन सी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है सर, जिस तरह हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, खाने के अंदर क्या होता है, केमिकल्स ही तो होते हैं, रसायन तो होते हैं, ये जो ग्लूकोज बनता है खाने का डाइजेशन होने के बाद, पाचन होने के बाद, ये केमिकल ही तो है, ये बनता है अपने पेट में खाने का पाचन होने के बाद, बायो में आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या है, ये केमिकल ही तो है, इसके अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, इसके अंदर जो एनर्जी है वो रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है सर, जो भी रसायन होते हैं, जो भी केमिकल होते हैं, उन सभी के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है भाई, केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहां पर उसकी पोजीशन के कारण पूछा गया था, तो पोजीशन के कारण कौन सी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। अगर पार्टिकल गति में होता, मोशन में होता, तो गतिज ऊर्जा, कोई पार्टिकल केमिकल होता तो रासायनिक ऊर्जा हो जाती। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है जी प्राथमिक रंग कौन कौन से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, HSSC ने भी पूछा है, ये शायद जेई के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, HSSC का जेई का पेपर हो सकता है ये। ठीक है, या फिर PYQs लिखा है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ये आया है, प्रीवियस पेपर में जेई का हो सकता है सर ये। इसमें पूछा है प्राथमिक कलर, प्राइमरी कलर कौन से है, तो सर प्राइमरी कलर वो होते हैं जो खुद अपने आप में अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, जो किसी दूसरे कलर को मिक्स करके नहीं बनाए गए। और वो कलर कौन से होते हैं सर, वो कलर वैसे नॉर्मली हम बात करें तो वो होते हैं सर GBR, ठीक है, ग्रीन, ब्लू और रेड, ये तीन कलर होते हैं सर वो। ठीक है, जो हम बात करते हैं ये तीन कलर जो प्राइमरी कलर है। ठीक है, ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग है, भौतिकी के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहां पर RYB आपको ऑप्शन में सही मिलेगा। ठीक है, रेड, लाल, येलो, पीला और ब्लू, नीला, ये होते हैं सर पेंटर के अकॉर्डिंग, जो पेंट करते हैं ना पेंटर, ये पेंटर के अकॉर्डिंग है, लेकिन 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 क्या है भाई, लेकिन यही है कि पेपर हमें पेंटर के अकॉर्डिंग ही यही कलर मानता है। तो ये पर्सन आए तो आपको राइट आंसर कौन सा लगाना है यहां पर, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको RYB लगाना है, रेड, येलो, ब्लू लगाना है, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये जो RGB, GBR से याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना है भौतिकी के अकॉर्डिंग, फिजिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन पेंटर के अकॉर्डिंग आपके ये है, और पेपर में आए तो आपको RYB लगाना है। ठीक है, गूगल करोगे आपको ये मिलेगा, लेकिन अगर ये लगा दिया तो गलत हो जाएगा, आपका राइट आंसर हमेशा पेपर ने यही माना है, पेंटर वाला है ना, मानना नहीं चाहिए, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स वाला ही मानना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं सर, है ना। आगे बढ़ते,
अगला क्वेश्चन कह रहा है जी, ये कह रहा है जूल में एक कैलोरी का मान क्या होता है। ये कह रहा है जूल के अंदर एक कैलोरी का मान क्या होता है, यानी एक कैलोरी जो है, एक कैलोरी है इसकी मात्रा कितनी होगी जूल के अंदर बताओ। तो जूल के अंदर इसकी मात्रा सीधी न्यूमेरिकल वैल्यू है भाई 4.184 जूल। ठीक है, अगर यहीं पे कई बार पूछा जाता है कि एक किलो कैलोरी में बताओ, एक किलो कैलोरी में कितनी होगी, तो भाई इसको 1000 से हम गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगी 4184 जूल। ठीक है, क्या जाएगी 4184 एक किलो कैलोरी में, के जहां भी लगा होता है इसका मतलब किलो, और किलो का मतलब होता है सर 1000। ठीक है, यानी कि एक किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होते हैं, तो इसको 1000 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4184 जूल आ जाएगा। राइट डियर, आगे बढ़ते, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें कोई याद रखने वाली कोई समझाने वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है जी इंजन सिलेंडर के भीतर विकसित शक्ति क्या कहलाती है। ये कह रहा है एक इंजन जो है, ठीक है, एक इंजन सिलेंडर है, उसके अंदर जो एनर्जी है, उसके अंदर जो एनर्जी है, उसके अंदर जो शक्ति है, ठीक है, पावर जो है इसके अंदर, उस पावर को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस शक्ति को हम कहते हैं सर संकेतिक शक्ति। क्या कहते हैं? संकेतिक शक्ति, जो हमें संकेत दे रही है इसके अंदर जो पावर है वो। अगला क्वेश्चन है सर, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है सर। ये कह रहा है जी एक फोटोन की ऊर्जा एक प्रोटोन की गतिज ऊर्जा के समान है, फोटोन की ऊर्जा ई है, तो मान लीजिए कि लैम्डा वन प्रोटोन की तरंग दे रहता है और लैम्डा टू जो है ये फोटोन की तरंग दे रहता है, तो हमें लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू का अनुपात पूछा है कि किसके समानुपाती होंगे, किसके प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, और ई में हमें बताना है, एनर्जी के रिस्पेक्ट में बताना है। तो समझते हैं सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहली कंडीशन क्या दी इसने, एक फोटोन की ऊर्जा एक प्रोटोन की गतिज ऊर्जा के बराबर है। ठीक है सर, ये मान लेते हैं सर एक एनर्जी है किसकी, फोटोन की, फोटोन को क्या लिखेंगे, पी लिख लेते हैं। ठीक है, पी लिख लेते हैं, बराबर है किसकी ऊर्जा के, प्रोटोन की गतिज ऊर्जा के कारण। हाँ जी, ये ऊर्जा लिख ली हमने किसकी, एनर्जी, ये लिख ली प्रोटोन की, किसकी लिख ली, पी आर से लिख लेते हैं इसको, ये प्रोटोन की ऊर्जा है। ये कह रहा है अगर फोटोन की ऊर्जा ई के बराबर है, तो अगर ये जो फोटोन की ऊर्जा है ये किसके बराबर है भाई, ई के बराबर, तो ये तीनों की तीनों बराबर हो गई, तो प्रोटोन की भी तो हम लिख सकते हैं कि ई के बराबर होती है। राइट है ना, ऐसे लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। उसके बाद पूछा है, कहा है इसने कि मान लीजिए लैम्डा वन जो है ये क्या है, ये प्रोटोन की तरंग दे रहता है, और लैम्डा टू जो है ये फोटोन की तरंग दे रहता है। ठीक है, वेवलेंथ है, तरंग का मतलब होता है तरंग दे रहता है, मतलब वेवलेंथ। अब भाई जो देखिए फोटोन, फोटोन जो होते हैं ना लाइट के पार्टिकल्स जो होते हैं उनको बोलते हैं फोटोन। लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। जो फोटोन की वेवलेंथ है लैम्डा टू, इसको हम लिखते हैं भाई एच सी अपॉन ई। ठीक है, एच सी अपॉन ई लिखते हैं। ठीक है जी, लैम्डा टू की वैल्यू, क्योंकि ई की वैल्यू होती है सर एच सी अपॉन लैम्डा, और लैम्डा यहां पर फोटोन का दिया हुआ है टू, तो लैम्डा टू इधर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी ये। ठीक है जी, अब आगे आगे कह रहा है सर ये प्रोटोन के अंदर क्या है तरंग दे रहा है, लैम्डा वन है। क्या है, लैम्डा वन है, तो इसको हम कैसे करेंगे सर, इसके लिए वही लैम्डा वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी एच, इसके अंदर सी नहीं आएगा, सी होता है सर स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जिसकी वैल्यू 300,000 कुछ होती है, ये होगा सर अंडर रूट 2m, जितना उस प्रोटोन का मास है द्रव्यमान है, इंटू में एनर्जी, इंटू में एनर्जी ऑफ प्रोटोन, और प्रोटोन की भी कौन सी एनर्जी सर, प्रोटोन की भी हमारी काइनेटिक एनर्जी, क्या होगी, प्रोटोन की भी काइनेटिक एनर्जी के, और हमें पता है प्रोटोन की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो यहां पर हम लोग के की जगह ई भी लिख सकते हैं, तो के की जगह हमने लिख लिया भाई ई। ठीक है जी, ये है लैम्डा वन, ये है सर हमारा लैम्डा वन, और ये है आ गया हमारा लैम्डा टू। अब ये पूछा है लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू का अनुपात किसके समानुपाती होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं सर लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू है क्या, हाँ लिख लो भाई, लैम्डा वन की वैल्यू लिख लो और लैम्डा टू की वैल्यू को देख लो। लैम्डा का मतलब तरंग दे रहे होता है सर, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ बराबर लिखो, लैम्डा वन की वैल्यू है एच अपॉन रूट टू एम ई। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है सर, हमने इसको ई इसीलिए लिख लिया क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी बराबर थी इसके। अगला है सर देखो, लैम्डा टू की वैल्यू है क्या एच सी, तो एच सी
अपॉन ये ई ऊपर चला जाएगा, ई ऊपर चला गया सर, एच से एच कैंसिल आउट हो गया। अब ये कह रहा है लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू बराबर है ई अपॉन रूट टू एम ई सी। अब इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है, ये प्रोपोर्शनल कह रहा है, समानुपाती कह रहा है। अब इसका मतलब देखिए क्या है, यहां पर जो है ना ये जो रूट टू एम है और सी है ये तो है सर कॉन्स्टेंट, क्या है ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट ठीक है, ये तो कॉन्स्टेंट है हमारे, लेकिन वेरिएबल जो है वो है एनर्जी और एनर्जी ठीक है। इसका मतलब क्या है देखिए, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई अपॉन रूट ई के ठीक है। अब अगर हम इसको और डिवाइड करेंगे रूट ई से ई को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू बराबर रूट ई, और रूट ई का मतलब है जी, रूट ई तो यहां ऑप्शन में नहीं दिया लेकिन रूट ई का मतलब होता है ई की पावर एक बटा दो, और यहां पर ऐसा दिया है, बिल्कुल दिया है सर बी वाले ऑप्शन में ऐसा हमें दिया गया है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। ये फार्मूलेज हैं सर, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इनकी डेरिवेशन यहां पर कर नहीं सकते, बहुत समय लग जाएगा ठीक है, डेरिवेशन कभी करेंगे, कंटेंट वाली क्लासेस होगी तब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है सर कि एक पदार्थ से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणों की गति में परिवर्तन होने के कारण किरणों के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये कह रहा है सर एक पदार्थ से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणों की गति में परिवर्तन के कारण किरणों के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये कह रहा है जी एक पार्टिकल है लाइट जो सीधी आ रही थी अपने हवा में, कोई दिक्कत नहीं थी जिसे, या फिर निर्वात से आ रही थी, वैक्यूम से आ रही थी, आराम से अपने चलती आ रही थी, अपनी जो नॉर्मल स्पीड होती है 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड जो होती है, इस स्पीड से अपनी चलती आ रही थी। लेकिन जैसे ही आगे कोई और मीडियम हुआ, यहां पर हमने लगा दिया बच्चे ग्लास, क्या लगा दिया हमने, ग्लास लगा दिया, शीशा लगा दिया, तब इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, तब इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा सर वो समझते हैं ठीक है। तब क्या फर्क पड़ेगा सर, एक तो इसकी गति कम हो जाएगी, ये जो जा रही थी अब ये उस गति के साथ नहीं जाएगी ठीक है, एक तो स्पीड कम हो जाएगी, तो स्पीड कम हो रही है, गति में परिवर्तन हो रहा है, कैसा हो रहा है सर, अगर अगर विरल माध्यम से सघन जा रही है, अगर रेरर मीडियम से डेंसर जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम जा रही है, रेरर मीडियम टू डेंसर जा रही है, तो क्या फर्क पड़ेगा रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, विरल माध्यम से सघन माध्यम जा रही है, तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा सर, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां पर तो खुले थे, आराम से चल रही थी, पार्टिकल बड़े दूर दूर थे, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन ये ग्लास है, ग्लास तो आपस में कंजस्टेड होते हैं ना पार्टिकल, अब जहां पर भीड़ ज्यादा हो वहां पर इसको चलने में दिक्कत होगी। दूसरा क्या होगा सर, ये अपने जो अभिलंब यहां पर होगा, जो नॉर्मल यहां पर होगा, उस नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी ठीक है, उस नॉर्मल की तरफ ये मुड़ जाएगी, कैसे मुड़ जाएगी इसको समझते हैं सर ठीक है, ये लो सारा ही कट गया क्या, चलो अब समझते हैं। देखो ये आपका ग्लास है, बाहर से कोई लाइट आ रही थी, टकराई, टकरा करके एक तो इसकी स्पीड कम होगी, दूसरा इसको देखिए ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन और ये होता है सर नॉर्मल अभिलंब, जहां से सारे एंगल मेजर करते हैं, तो ये क्या करेगी, इसको सीधे ना जा करके ये अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी और ये तिरछी चली जाएगी सर, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, यहां तक आगे नहीं जाएगी ठीक है, ये यहां नहीं जाएगी सर, यहीं तक रुक जाएगी अपनी ठीक है, यहीं तक, क्योंकि आगे दूसरा मीडियम आ जाएगा। तो एक तो होता है सर कि स्पीड कम होगी, दूसरा अपनी पथ से विचलित हो गई, मुड़ गई, तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं सर, इस फिनोमिना को कहा जाता है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, प्रकाश का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन इसे कहते हैं सर ठीक है जी, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट का जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो जैसे ही वो प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और इस प्रोसेस को, इस परिघटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस पेपर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हुए, जिनके अंदर पूछे गए थे, आई होप कि सारे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये PYQs करने का मतलब और इस करने का फायदा यही है सर कि हमारी लगातार एक तो प्रैक्टिस होती रहती है, जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं
जो चीज़ आपने अभी तक पढ़ी है उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस होती रहेगी और हमें एग्जाम पैटर्न का पता चलेगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से लेवल को उठाया गया है, किस तरह से लेवल को हटाया गया है, कम किया गया है, ज़्यादा किया गया है, ठीक है। और प्रैक्टिस तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, PYQs अगर आप करते हैं तो आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी सर, जिसका कोई आइडिया नहीं। पढ़ना देखिए, पढ़ा हुआ हमारा तभी याद रहता है जब हमारी क्या हो, प्रैक्टिस हो। आपने पढ़ा, आपके माइंड में स्टोर हो गया, लेकिन उसके बाद और सारी चीज़ें हैं जो आपके उसको ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रखेंगे। आप उसको रिपीट करना है, आपको उसको पढ़ना है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, और ये क्लासेस आपको इसी चीज़ के लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है, ताकि अब जो लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग घरों में बैठे हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, किसी को है भी तो कोई बात नहीं, लोग अपना एडजस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, इस चीज़ को पॉजिटिव में लें। और इस चीज़ का, इस समय का स्टूडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समय है, क्योंकि जब पेपर एग्जाम आता है तो पेपर का प्रेशर बन जाता है, और प्रेशर बनने में पढ़ाई नहीं हो पाती है ना। तो इस चीज़ को पॉजिटिव ले, अभी बिना प्रेशर पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, जब एग्जाम आएगा आपकी तैयारी इतनी अच्छी होगी, एग्जाम प्रेशर बनेगा ही नहीं, और आपका एग्जाम जो है वो डेफिनेटली क्लियर होगा, हम यही कामना करते हैं। मिलते हैं सर अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ फिजिक्स के। आई होप कि आपको ये सारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी, और भाई शेयर भी कर दीजिए, बाकी अभी सभी बच्चों के पास पैसा तो कोई लग नहीं रहा, फ्री ही है, ठीक है, कर दीजिए शेयर, और बच्चे भी प्रैक्टिस कर लेंगे जो आपके साथ वाले हैं, आपके बैच के बच्चे हैं, इधर उधर होती हैं बच्चों के कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ठीक है सर, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।